ओके ठीक है भैया जी, सभी निकल आ जाता हूँ। देखिए उन्होंने वो पहले जो है अपना परिवार छोड़ करके और अपने जो है प्रेमी के साथ चली गई थी, और उन्होंने बाद में जब पुलिस उन्हें लेके आई थी समदड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ था, तो यही कहा था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं इसके साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती हूँ। कल वो महिला थाने में पेश हुई और उन्होंने कहा कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे बहला फुसला के और मुझे जान का डर दिखा के और मेरे बच्चे के वो जान से मार देंगे ऐसा डर दिखा के और अपने साथ रखा और मुझसे ये बयान दिलाया कि मैं इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और उसने मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया है, तो मैं कानूनी कार्रवाई कराना चाहती हूँ और अब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ इस पर। और वो उनका कहना था कि कुछ वजहों से वो समदड़ी में मुकदमा ना करवा के महिला थाने में मुकदमा कराना चाहती है, तो हमने महिला थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया है उनके बयानों के आधार पर, और अब तफ्तीश करके जैसे भी आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। उन्होंने मुख्य तो एक आरोपी और उसके अलावा कहा उसके साथ चार पांच अन्य लोग हैं, किसी का नाम नहीं लिखा है, तो अब वो तफ्तीश में क्लियर होगा कि साथी कौन है। उन्होंने कहा कि ये मेल मैंने नहीं भेजा, उन लोगों ने ही मेरी तरफ से भिजवाया है। सर एक असलियत फोटो भी वायरल होने का सामने नहीं, उन्होंने ऐसे उसने कहा कि वो मुझे धमकी देते थे कि तेरी फोटो वायरल कर देंगे, ऐसा कोई फोटो उन्होंने वायरल किया नहीं।